सैराट फिल्म मराठी फिल्म उद्योग को एक अलग ऊंचाई पर ले गई। इस फिल्म ने मराठी फिल्म उद्योग के लिए फिल्म बनाने के तरीके पर एक बेंचमार्क स्थापित किया है। नागराज मंजुले के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक अलग ऊंचाई पर पहुंच गई। इस फिल्म को देश विदेश में खूब देखा गया था। विदेशों में भी फिल्म ने अच्छी कमाई की। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म में एक्ट्रेस रिंकू राजगुरु को नेशनल अवार्ड भी मिला था। फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया। बाद में इस फिल्म को धड़क नाम से हिंदी में भी बनाया गया। इस फिल्म में श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर नजर आई थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही थी। सैराट फिल्म के बाद आर्ची को अच्छे ऑफर्स मिलने लगे। रिंकू राजगुरु का जन्म 3 जून 2001 में महाराष्ट्र के अकलुजू शहर में हुआ था। निर्देशक नागराज मंजुले ने उन्हें 7वीं कक्षा में एक कार्यक्रम में देखा था। उसके बाद उन्होंने उनके पिता यानी महादेव राजगुरु से रिंकू की फिल्म में अभिनय के बारे में पूछा। उसके बाद राजगुरु ने मंजुले को हामी भर दी। इसके बाद फिल्म सैराट की शूटिंग शुरू हुई। सैराट फिल्म के निर्देशक नागराज मंजुले से उनकी मुलाकात 2013 में हुई थी, जिसके बाद 3 साल तक इस फिल्म के लिए उनकी ट्रेनिंग चली और इस फिल्म को 2016 में रिलीज किया गया। इस फिल्म के रिलीज के बाद महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी अभिनेत्री बनकर उभरी। एक्ट्रेस अपने स्कूल में परीक्षा देने भी वो पूरी सिक्योरिटी में जाया करती थी। रातों रात आज तक किसी अभिनेत्री ने इतनी सफलता प्राप्त नहीं की है। रिंकू राजगुरु ने हाल ही में फिल्म अथवा रंग प्रेमचा में अभिनय किया। इस फिल्म में रिंकू राजगुरु ने एसिड अटैक पीड़िता का किरदार निभाया था। मराठी अभिनेत्री रिंकू राजगुरु अपने स्पष्ट और सरल स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। वो हमेशा अपने अनोखे अंदाज में हर सवाल का जवाब देती हैं। दर्शक भी उनके किरदार की तारीफ करते हैं। इसी बीच एक्ट्रेस अपने एक इंटरव्यू की वजह से चर्चा में आ गई है। रिंकू राजगुरु एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो नागराज मंजुले द्वारा निर्देशित अपनी पहली फिल्म सैराट से रातोंरात स्टार बन गई। रिंकू फिलहाल मराठी हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस की फिल्म अथवा रंग प्रेमचा रिलीज हुई थी। इसमें रिंकू ने एसिड अटैक झेलने वाली लड़की का रोल प्ले किया था। इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहा गया था। इसी बीच फिल्म की रिलीज से पहले रिंकू ने एक यूट्यूब चैनल मराठी किडा में हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने नागराज मंजुले को लेकर कई खुलासे किए। इसमें उन्होंने उनके बारे में कई बातें बताई। रिंकू ने कहा, नागराज किसी की नहीं सुनते, वे अपनी राय में दृढ़ हैं, इसलिए हम लोग उनकी सुनते हैं और वही करते हैं जो वे चाहते हैं। रिंकू आगे कहती है कि नागराज मंजुले बहुत सिंपल हैं। रिंकू राजगुरु ने ये भी कहा कि वह एक निर्देशक के रूप में बहुत प्रतिभाशाली हैं और एक कवि के रूप में किसी को भी उनसे प्यार हो जाएगा।